नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, दूध, प्याज, टमाटर, घी या बटर, पनीर, फ्रेश क्रीम, हरी मिर्च, खड़े मसाले, कश्मीरी मेथी, डेंगी मिर्च, शाही पनीर का मसाला। सबसे पहले हम मसालों को बना लेंगे। एक बाउल में हल्दी, मिर्च, खटाई, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर और जीरा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई पैन लें, गैस ऑन करें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, खड़े मसाले, हरी मिर्च और पानी। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हम हल्दी। अब इसे हम एक बॉईल आने तक पकने देंगे। टमाटर प्याज अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और गल भी गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। कढ़ाई में घी डालें या बटर, गरम होने दें। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, थोड़ा सा डालेंगे नमक, इसे हम एक बार चला लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और पनीर को निकाल लेंगे। ये हमारे टमाटर प्याज जो हमने बॉईल किए थे वो हम उसका पेस्ट बना लेंगे। एक मिक्सी जार लें, इसे हल्का सा ठंडा होने देना। पेस्ट इसकी हम प्यूरी बना लेंगे टमाटर प्याज की। इसमें आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालें। ये हमने प्यूरी बना ली है। घी डालेंगे, घी को गरम होने दें। घी गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा, अब हम इसमें डालेंगे मेथी, सारे मसाले, गरम मिर्च। अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डेंगी मिर्च इसमें डालेंगे, शाही पनीर का मसाला, अब इसमें डाल देंगे प्यूरी। डालेंगे दूध, अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, शाही पनीर हमारा बन गया है। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग बाउल में।
शाही पनीर बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।